ओके, तो भाई अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा जब भी मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन को खराब जाता था मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था। पर भाई अब हाल ये हो गया कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज का मंडे नाइट रॉ बहुत ज़्यादा खराब था एक्चुअली, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर का जब मैं रिव्यू देखा तो मुझे पता चला। पर मैंने अपने वीडियो के अंदर इसके बारे में कुछ भी बात ही नहीं की क्योंकि लिटरली मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम होता था जब मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग भी ब्लडलाइन के मेंबर करते थे, मंडे नाइट रॉ का एंड भी ब्लडलाइन के मेंबर ही करते थे। और उस समय मैं गाली इसलिए देता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डब्ल्यू वाले बाकी लोगों को यहाँ पर मौका नहीं दे रहे। पर भाई अब मुझे फील होता कि अभी से ज्यादा तो अच्छा पहले का ही मंडे नाइट रॉ था जब ब्लडलाइन के सारे लोग रहते थे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। वैसे हमारे चाचा विंस मैकमहन फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बहुत ही जल्द फायर हो सकते हैं क्योंकि इनके बारे में बहुत बड़ा रिपोर्ट निकलकर सामने आया। साथ ही साथ क्या हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर होने वाले, इनके बारे में कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया? आइए हम जानते हैं सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि सच में एक बहुत ज्यादा बकवास शो था। एक्चुअली मुझे तब नहीं पता चला क्योंकि भाई सारा मंडे नाइट रॉ का शो एक ही जैसा मुझे लगता है। वैसे आज का मंडे नाइट रॉ का शो बकवास होने के पीछे दो रीजन बताया जा रहा है। सबसे पहला रीजन ये है कि हमारे चाचा विंस मैकमहन जो बहुत सारे चेंजिंग किए थे आज के मंडे नाइट रॉ को। जैसा कि आपको पता ही होगा हर शो के ऊपर चेंजिंग करते, तो आज के मंडे नाइट रॉ पर उन्होंने बहुत सारा भर भर के चेंजिंग भी किया। जैसे आज के शो के स्टार्टिंग में हमें डॉम डॉम का सेगमेंट देखने को मिला था मामी के साथ, ये सेगमेंट एक्चुअली में नहीं होना। वैसे इसके पीछे सेकंड रीजन ये बताया जा रहा है कि डब्ल्यू के अंदर जितने भी लोग हैं सारे लोगों को तुरंत ही लंदन निकलना था, इसलिए जल्दीबाजी में शो हुआ। आई थिंक आप लोग सारे लोगों को पता ही होगा नेक्स्ट स्मैकडाउन भी होने वाला है लंदन के अंदर, साथ ही साथ नेक्स्ट मनी इन द बैंक भी होने वाला है लंदन के अंदर। इसके अलावा डब्ल्यू वाले कुछ वहां पर जाकर लाइव इवेंट वगैरह भी करवाने वाले, इसलिए मतलब जल्दी जल्दी रेसलर यहाँ से निकलना था, इसलिए आज का मंडे नाइट रॉ थोड़ा सा बकवास। वैसे आज के मंडे नाइट रॉ देखने के बाद ये चीज बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये एक्चुअली मनी इन द बैंक का गोहम एडिशन वाला शो था। सबसे पहले बात करते हैं मैट रिडल वर्सेस गुंथर के मैच के बारे में, जो कि ऑफिशियल हो चुका है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के। और मेरे ख्याल से मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ डब्ल्यू वाले सिर्फ यहाँ पर एक फिलअप किए मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए, ऐसा नहीं होने वाला कि इस मैच के अंदर मैट रिडल जीतने वाले। डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से बहुत सारे मैच एक्चुअली मनी इन द बैंक के अंदर सिर्फ फिलअप के लिए डाले। जैसे आप लोग यहाँ पर पूरा लिस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर डॉम डॉम और कोडी रोड्स का मैच भी एज ए फिलअप ही है, मतलब ये दोनों मैच के अंदर कुछ खास होगा। साथ ही साथ रोंडा रॉजी और सेना बेजलर का टैग टीम चैंपियनशिप वाला जो मैच होने वाला उसके अंदर भी रोंडा रॉजी सेना बेजलर ही विन करने वाले, बस एज ए फिलअप ही मैच डाला गया। वैसे लेट्स सी अब देखना ये होगा कि कैसा रहता आखिर मनी इन द बैंक पेपर। नेक्स्ट बात करते हैं सैमी जेन और केविन ओवंस के बारे में, जिनके बारे में ये चीज 100% कंफर्म बताया जा रहा है कि समर स्लैम के अंदर इनका मैच टोमासो चैंपा और जॉनी गर्गानो के अगेंस्ट होने वाला है। यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या टोमासो चैंपा जॉनी गर्गानो टैग टीम चैंपियन बनते हैं, क्योंकि उससे पहले टैग टीम चैंपियन बेल्ट का यहाँ पर डिजाइन भी चेंज होने वाला है। वैसे आप लोगों को कुछ करना तो सारे लोग कह सकते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में, पर हाँ ये मैच 100% ऑफिशियल आप लोग कंफर्म ही मान लो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने चाचा विंस मैकमहन के बारे में, जिनके साथ करंट टाइम में चल क्या रहा है मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा हमारे चाचा सबसे पहले सेक्स स्कैंडल में फंसे, उसके बाद एक कंपनी बेच दी और फिर से अपने पोजीशन के ऊपर वापस आ गए। अब करंट टाइम में क्या चल रहा है, जिस तरह से मैच कार्ड वगैरह सेट करते हैं ट्रिपल एच, विंस मैकमहन आकर उसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि विंस मैकमहन के पास करंट टाइम में ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू ट्रिपल एच। और भाई इस चीज को लेकर ट्रिपल एच बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ जो है निक खान वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और सिर्फ इन्हीं दोनों लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, बैक स्टेज बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत सारे रेसलर भी इससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब रिपोर्ट का क्या कहना है कि इंडिवर वाले साथ से एक वोटिंग करवा सकते हैं बैक स्टेज, जिसके अंदर अगर विंस मैकमहन को कम वोट मिला तो विंस मैकमहन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा सकते। और भाई ये बात आप कंफर्म मान लो कि अगर वोटिंग होगा तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम वोट इस बार विंस मैकमहन को मिलने वाला। तो आप लोग ये चीज कंफर्म मान लो कि हमारे चाचा 1 से 2 महीने के अंदर कंपनी से टाटा बाय बाय हो जाने वाले। वैसे यार मेरे ख्याल से ये चीज सही भी है, क्योंकि अगर ट्रिपल एच कंपनी चला रहे तो ट्रिपल एच को ही चलाने, तो विंस मैकमहन चला रहे तो विंस मैकमहन को ही चलाने। ये बीच वाला जो सीन होता है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसे ट्रिपल एच अपना फुल एफर्ट यहाँ पर लगा नहीं पाते। वैसे अगर आप लोग कुछ बोलना है इसके बारे में तो बेशक सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल ब्राइन के बारे में, जिनका फिर से काफी ज्यादा हाई चांसेस हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आने का। सबसे पहले मैंने आपको 2 दिन पहले रिपोर्ट बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फिर से डैनियल ब्राइन को अपने कंपनी के अंदर साइन करने का। रिसेंट जो रिपोर्ट निकलकर सामने है उसके अकॉर्डिंग डैनियल ब्राइन का फाइनली काउंटडाउन शुरू हो चुका है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर। मतलब अब एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत ही कम दिन का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में डैनियल ब्राइन का बचा हुआ है। रिसेंट टाइम में अगर आपको नहीं पता तो डैनियल ब्राइन फॉरबिडन डोर को ओपन करके बहुत ही कमाल का एक मैच भी रिसेंट टाइम में रेसल किया। वैसे मैं आपको बता दूं डैनियल ब्राइन का आने का चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि डैनियल ब्राइन बहुत अच्छे कंडीशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव किए हैं, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करने के बाद खुद से इस बात को बताया था कि वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जा रहे हैं ताकि वो हार्डकोर रेसलिंग कर सके, उसके बाद फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो वापस आ जाएंगे। तो भाई फाइनली अब आपको डैनियल ब्राइन बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दिखने वाले, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा ओवर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बैकी लिंच और ट्रिश स्टेटस के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका राइवलरी समर स्लैम तक चलने वाला है, शायद समर स्लैम के अंदर ये फाइनली खत्म हो जाने वाला। भाई रिसेंट टाइम में इसके बारे में अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, अपडेट के अकॉर्डिंग शायद समर स्लैम के बाद भी इनका राइवलरी चल सकता है। करंट रिपोर्ट का ये कहना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले समर स्लैम के दिन इनका मैच करवाने वाली है, साथ ही एक और वन इनका मैच करवाने के लिए सोच रहे हैं। आपको शायद समर स्लैम के बाद भी इनका स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल सकता है। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि भाई इनका स्टोरी लाइन खत्म कर दो, क्योंकि भाई ट्रिश स्टेटस है काफी बड़ी रेसलर, तो उनका फ्यूड किसी और रेसलर के साथ देना चाहिए। करंट टाइम में बैकी लिंच ऑलरेडी ओवर ऑडियंस के बीच, तो मुझे यहाँ पर यह लगता है कि बाकी फीमेल रेसलर को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। आप लोगों के ख्याल सारे लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द बाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिनके बारे में बहुत बड़ा रिपोर्ट निकलकर सामने, आप लोग सारे लोग ध्यान से सुनिए। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द बाइपर रैंडी ऑर्टन का जब रिटर्न होने वाला तो
सबसे पहले ये एज ए हील करेक्टर आने वाले, साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन आते के साथ मैट रिडल के ऊपर आकर आरकेओ लगाने वाला, क्योंकि इनका मैच 100% कंफर्म बताया जा रहा है समर स्लैम के लिए। जी हां, आपको फाइनली इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैट रिडल का मैच देखने को मिलेगा, ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है ऐसा बताया जा रहा है बैकस्टेज से। भाई मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होगा, क्योंकि जब रैंडी ऑर्टन आएंगे तो यहां पर मैट रिडल बहुत ज्यादा खुशी से उनको स्वागत करेंगे, और जब उनको वापस रैंडी ऑर्टन का आरकेओ पड़ेगा तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये इमोशनल मोमेंट हो सकता है। वैसे रैंडी ऑर्टन इस बार समर स्लैम से पहले 100% आ रहे हैं, ड्रू मैकइंटायर भी आ रहे हैं, साथ ही साथ बॉबी लेस्ली भी आ रहे हैं। भाई कमाल की बात ये कि तीनों रेसलर एज ए हील ही आ रहे हैं, तीनों का आपको मैच देखने को मिलेगा इस बार का समर स्लैम के अंदर। नेक्स्ट थोड़ा बात करते हैं जजमेंट डे के बारे में, जिनको लेकर करेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनल लोग हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी इनके परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही साथ रिपोर्ट का ये भी कहना कि करेंट टाइम में रिया रिप्ले और डॉमडॉम से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस है बैक स्टेज के सारे, और मेरे ख्याल से ये चीज होना भी चाहिए क्योंकि ब्लडन के बाद सबसे बेस्ट फ्रैक्शन जो जजमेंट डे ही है करेंट टाइम में। साथ ही साथ रिया रिप्ले और डॉमडॉम का जो जोड़ी है भाई नेक्स्ट लेवल का लगता है, मैं हमेशा वीडियो के अंदर इसको अप्रिशिएट भी करता हूं। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एज का जो कस्टमाइज चैंपियंस बेल्ट जो रिसेंट टाइम में लॉन्च हुआ है उसका प्राइस $500 है एक्चुअली, मतलब भाई सिर्फ एक कस्टमाइज चैंपियंस बेल्ट का दाम जो बताया जा रहा है वो 40,000 से ज्यादा बताया जा रहा है। भाई मैं तो दो मंथ भी अगर कमाऊंगा यूट्यूब से फिर भी इतना पैसा नहीं हो पाएगा। वैसे अगर आपने आज का मंडे नाइट रॉ देखा हो तो आपको आज के रॉ के ऊपर एडम पियर्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एडम पियर्स हनीमून मनाने गए, मतलब सॉरी अपना हैप्पी बर्थडे वो मनाने गए थे। रिसेंट टाइम में उन्होंने ट्विटर के ऊपर इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी किया था। वैसे कोडी रोड्स की वाइफ ब्रैंडी रोड्स का आज बर्थडे है, तो आप लोग सारे लोग चाहे तो विश भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे अब ये मत बोलना इनकी वाइफ डब्ल्यूली के अंदर नहीं है फिर भी क्यों विश करने के लिए कर रहे हो, भाई कर दो यार अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब आपके भाई को अच्छी लगती है समझ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल के बारे में। आपको बता दूं रिसेंट टाइम में एक नहीं मल्टीपल ऑफ सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट निकल कर सामने है जिसके अकॉर्डिंग इस बार का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने वाले लोगन पॉल, क्योंकि डब्ल्यूई वाले वही करने वाले जो कि उनके लिए बेस्ट फॉर बिजनेस होने वाला, मतलब लोगन पॉल बेस्ट फॉर बिजनेस है उनके लिए हमेशा से, और ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर विनर लोगन पॉल को ही चूज किया था, पर बाद में मुझे लगा कि हां एलेनाइट जीतने वाले हैं, पर भाई रिसेंट टाइम में मैं फिर से लोगन पॉल की तरफ ही जा चुका हूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगन पॉल ही जीतने वाले मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। वैसे मैं आपको बता दूं जो भी इस मैच के अंदर विनर होने वाला डब्ल्यू आर ऑलरेडी काफी मन पहले इस चीज को डिसाइड भी कर लिया, साथ ही साथ ट्रिपल एच इस बात को 100% सीक्रेट रखने वाले कि एक्चुअली कौन जीतने वाला मनी इन द बैंक ब्रीफकेस इस साल। वैसे आपको क्या लगता है स्टिल सारे लोग कमेंट से बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने रिसेंट टाइम में ट्विटर के ऊपर काफी लंबा पोस्ट लिखा, और इसके अंदर वो सिंपल शॉन माइकल को थैंक्स बोल रहे थे क्योंकि शॉन माइकल की वजह से यहाँ सेथ रॉलिंस इस मुकाम पर। आपको अगर याद होगा तो जब एनएक्सटी के अंदर सेथ रॉलिंस थे तभी से शॉन माइकल एनएक्सटी को भी कंट्रोल कर रहे थे, तभी से शॉन माइकल काफी अच्छा यहाँ पर पूछ दिए थे सेथ रॉलिंस को। नेक्स्ट बात करते हैं नटालिया के बारे में, जो कि काफी ज्यादा रिसेंट टाइम में परेशान हो गई है डॉमडॉम से। रिसेंट टाइम में नटालिया अपने पॉडकास्ट के अंदर इस बात को रिवील की कि जब भी मैं रिया रिप्ली के साथ मैच रेसल करता हूं डॉमडॉम इस मैच के अंदर आकर डिस्ट्रैक्ट मुझे कर देता है, और जिसके कारण मैं रिया रिप्ली से हमेशा मैच हार जाता हूं, नहीं तो मैं रिया रिप्ली को मैच के अंदर आसानी से हरा सकता। वैसे भाई मुझे नहीं बोलना इसके बारे में, मुझे माफ कर दो, बस एक रिपोर्ट था मैंने आपको सुना दिया। आप लोगों को जो भी कहना है सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनके बारे में एक हॉल ऑफ फेमर ने स्टेटमेंट दिया कि शायद जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर हो सकते हैं। अगर सबसे पहले आपको नहीं पता तो डब्ल्यूई वाले इस बात को लेकर कंसीडर करें कि एलेनाइट वर्सेस जॉन सीना का मैच फ्यूचर के अंदर वो करवाए, और इसके पीछे का रीजन आपको बताएं एलेनाइट को डब्ल्यूई वाले करेंट टाइम में काफी ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, इसलिए वो जॉन सीना के साथ मैच करवाना चाहती है। तो इसके रिगार्डिंग रिसेंट टाइम में पॉडकास्ट के अंदर टेरी लॉन्ग इस बात को बताएं कि मुझे नहीं लगता जॉन सीना डब्ल्यूई के अंदर फिर से वापस आ सकता है, या फिर अगर वो जॉन सीना आता भी डब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस तो शायद वो अपना रिटायरमेंट मैच ही लेने के लिए वापस आएगा। मुझे नहीं पता टेरी लॉन्ग के बाद में कितना सच्चाई, पर मुझे भी लगता है 2 से 3 मैच हार्डली जॉन सीना डब्ल्यूई के अंदर रेसल करने वाले। आपको पता होगा इस वर्ग रेसलमेनिया के बाद उन्होंने इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोला था कि अब मुझे ऐसा लगता कि नहीं मैं ओवर हो चुका हूं डब्ल्यूई कंपनी से। वैसे मैं आपको बता दूं मनी इन द बैंक जहां पे-पर-व्यू हो रहा है एक्चुअली उसके कुछ दूरी पर ही जॉन सीना वहां पर अवेलेबल रहेंगे, तो आपको शायद मनी इन द बैंक के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं जॉन सीना। इनका डेफिनेटली वहां मैच नहीं देखने को मिलेगा, पर एज फॉर अपीयरेंस शायद जॉन सीना आ सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर। वैसे आज का मंडे नाइट रॉ ऑफ ईयर होने के बाद क्या आप लोग सारे लोग देख सकते हैं यहां पर ऑफ ईयर में कोई मैच वगैरह यहां पर नहीं हुआ। कोडी रोड्स ऑफ ईयर होने के बाद सिंपल यहां पर सेल्फी वगैरह ले रहे थे जितने भी वहां पर ऑडियंस था उनके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो वर्कर है वो अपना रिंग वगैरह सारा चीज जल्दी जल्दी खोल रहे हैं। आई थिंक सारे लोग को पता होगा इनको लंदन के अंदर जाना है इसलिए। वैसे आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।